अस्सलाम वालेकुम भाई, आज का टॉपिक है रीजनरेशन। बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है मेरे बच्चे। रीजनरेशन को अगर देखा जाए तो जितने भी जानदारों की बॉडी होती है उनके अंदर एबिलिटी होती है कि ताकि वो रीगेन कर सके, रिकवर कर सके लॉस बॉडी पार्ट, अपने बॉडी का वो हिस्सा जो लॉस हो चुका है उसको रिकवर करना, रीगेन करना, ऐसी एबिलिटी को नाम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड रीजनरेशन है। ये एक ऐसा ही प्रोसेस है जैसे एम्ब्रियोलॉजिकल, जैसे एम्ब्रियो के अंदर एक प्रोसेस होता है मुकम्मल जानदार को बनाने का, इसी तरह का जो प्रोसेस है उसका नाम क्या बेटा, रीजनरेशन है। री का मतलब अगेन, जनरेशन का मतलब प्रोड्यूस, दोबारा उस बॉडी पार्ट को प्रोड्यूस करने वाला जो प्रोसेस है दे आर कॉल्ड रीजनरेशन। एग्जांपल दूंगा, बड़ी बड़ी आसान एग्जांपल, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। जैसे मिसाल के तौर पर स्पॉन्ज, अगर ये स्पॉन्ज को देखा जाए इसकी बॉडी काफी सिंपल ऑर्गेनाइज होती है, इसके पास ग्रेट पावर है रीजनरेशन की। अगर इसका छोटा सा पीस, एनी पीस जो स्पॉन्ज का कैन रीजनरेट होल बॉडी, एक छोटा सा पीस भी मुकम्मल बॉडी बनाने की खासियत रखता है और इसका जो रीजनरेशन का प्रोसेस है काफी स्लो होता है। जैसे लॉबस्टर, ये आपके सामने लॉबस्टर है, इसका जो पिंसर कला है, ये जो पिंसर कला है जो इससे वो पकड़ता है, इस पिंसर कला के अंदर खासियत है अगर ये टूट जाए ये रीजनरेट हो जाता है। स्टारफिश, अगर इसकी बाजू कट जाए तो इसकी जो आर्म्स है ये भी रीजनरेट होने की खासियत रखती है। जैसे लीजर्ड है, लीजर के जो टेल है ये टेल भी रीजनरेट होने की खासियत रखती है। जैसे आपको पता है अक्सर टेल को जब मारा जाता है, लीजर को जब मारा जाता है तो इसकी टेल टूट जाती है, तो वो जो टेल टूटी हुई लीजर्ड है उसकी दोबारा टेल आप देखेंगे वो बन रही है, वो जिस प्रोसेस से बन रही है उसका नाम क्या बेटा, वो रीजनरेशन है। सेलामेंडर, अगर देखा जाए सेलामेंडर की जो लिम्स है, जो बाजू है, ये भी रीजनरेट होने की खासियत रखती है अगर ये टूट जाए। ह्यूमन बींग के अंदर जब कोई जख्म होता है तो हीलिंग ऑफ वाउंड या रिपेयर ऑफ फ्रैक्चर्स, ये भी जिस प्रोसेस से हो रहा होता है उसका नाम है रीजनरेशन। प्लांट के अंदर जिसको कहा जाता है प्लांट प्रोपागेशन, के प्रोड्यूस करना न्यू प्लांट को थ्रू स्टेम या लीफ या एनी टिश्यू, पत्ते से या तने से या किसी भी टिश्यू से एक मुकम्मल प्लांट को ग्रो करवाना, बड़ा दे आर कॉल्ड प्लांट प्रोपागेशन है, ये भी रीजनरेशन का प्रोसेस होता है। अब रीजनरेशन करवाने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से सेल्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हमारे पास तीन तरह के सेल्स हैं, एक है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, एक है नाम डी डिफरेंशिएटेड सेल्स और एक है नाम डिफरेंशिएटेड सेल्स। अब जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है ना, इनको कहा जाता है अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। डी डिफरेंशिएटेड जो सेल्स है ना, इसका नाम है लेस स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। जो डिफरेंशिएटेड सेल्स है ना, इसको कहा जाता है स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। ये जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं प्लेन एरिया के अंदर, प्लेन एरिया के अंदर अनस्पेशलाइज्ड सेल्स को कहा जाता है नियोब्लास्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अक्सर बच्चा गलती कर देता है, समझ लीजिएगा। प्लेन एरिया के अंदर जो अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं उनको कहा जाता है नियोब्लास्ट। अनस्पेशलाइज्ड सेल का मतलब जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। अब बेटा प्लेन एरिया में होता क्या है, जैसे कि ये सारे के सारे अनस्पेशलाइज्ड सेल जिनका नाम क्या था बेटा, नियोब्लास्ट, ये प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी मौजूद होते हैं और ये माइग्रेट करते हैं, चले जाते हैं टूवर्ड द एम्प्यूटेड पार्ट, जहां प्लेन एरिया का कोई भी कटा हुआ हिस्सा है उस कटे हुए हिस्से की तरफ ये चले जाते हैं, जिनका नाम नियोब्लास्ट है या अनस्पेशलाइज्ड सेल कह सकते हैं या अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कह सकते हैं, और वहां पे जाके ये सेल्स अपने आप को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड सेल्स, वहां पे जाके अपने आप को दोबारा चेंज कर देते हैं स्पेशलाइज्ड सेल में और वो कटा हुआ हिस्सा दोबारा क्या हो जाता है बेटा, रीजनरेट हो जाता है। तो अनडिफरेंशिएटेड सेल ने आसा उस कटे हुए हिस्से को बड़ा क्या कर देना होता है, अपने आप को जाके वहां पर डिफरेंशिएट फॉर्म में लेके चले जाना होता है। इसी तरह कुछ जानदारों के अंदर डी डिफरेंशिएट सेल्स होते हैं जो रीजनरेशन करवाते हैं। डी डिफरेंशिएट सेल्स कौन से बेटा, जो लेस स्पेशलाइज्ड सेल्स है, मतलब के स्पेशलाइज्ड सेल्स नहीं है, अनस्पेशलाइज्ड नहीं है, ये लेस स्पेशलाइज्ड को कहा जाता है डी डिफरेंशिएट सेल्स है जो रीजनरेशन में मदद देते हैं। और ये किन के पास होता है, जो हमारी किताब बताती है, सेलामेंडर्स के पास, जिनको न्यूट्स भी कहते हैं, सेलामेंडर्स के पास रीजनरेशन में जो मदद देने वाले सेल्स हैं उनका नाम है डी डिफरेंशिएट सेल्स हैं। और इन दोनों सेल्स ने बेटा किस में चेंज होना होता है, जहां पे कट लगा है इन दोनों ने अपने आप को चेंज करना होता है डिफरेंशिएट सेल में। और डिफरेंशिएट सेल्स एग्जांपल दे रहा हूं, ये
ये स्पेशलाइज सेल्स हैं। और मैं एग्जांपल देना, फॉर एग्जांपल आप अपने स्किन सेल्स को देखो, ये डिफरेंशिएट सेल्स हैं। आपके लीवर के सेल डिफरेंशिएट सेल्स हैं, आपके आईज के सेल डिफरेंशिएट सेल्स हैं, आपके हार्ट के सेल्स डिफरेंशिएट सेल्स हैं। जिनका प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर फंक्शन होता है ना, उन सेल्स को कहा जाता है डिफरेंशिएट सेल्स हैं। तो इन जानदारों के अंदर मैंने बताया दो तरह के सेल्स हैं, अनडिफरेंशिएट और डिफरेंशिएट। और कटे हुए पार्ट में जाके दोनों सेल्स बड़ा किस में चेंज होते हैं, डिफरेंशिएट में, और मदद देते हैं उस कटे हुए पार्ट को रीजनरेट होने में। ओके बेटा, जज़ाकल्ला। आपने एज इट इज़ ही लिखना होता है, सारे के सारे लेक्चर्स अपलोडेड हो रहे हैं वन बाय वन करके, जैसे जैसे टाइम मिलता जा रहा है इंशाल्लाह मैं अपलोडिंग करते आ जाऊँगा, और आप इन लेक्चर्स को लेकर एज इट इज़ ही याद करके पेपर में लिख दीजिएगा। ओके बेटा, जज़ाकल्ला।